आपका इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि मैं जानती हूँ और हमारे दर्शक लोग भी जानते हैं कि आप शनि साधी का शनि ज्ञान एक्सपर्ट और ऑस्ट्रोलॉजर है बहुत सारे लोग आपके ज्ञान का फायदा उठाते हैं अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं तो दीदी जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कोई अगर पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र से किसी भी शहर से अगर आपसे आपका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है आपकी समस्याओं से समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहता है आपका ज्योतिष मार्गदर्शन जानना चाहता है तो उसे घर बैठे कैसे ज्ञान प्राप्त हो आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा गाइड करिएगा अभी आरती जी आपने पूछा कि अधिक से अधिक लोग जो मिलना चाहते हैं ज्योतिष का मार्गदर्शन चाहते हैं किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान करना चाहते हैं और अपनी समस्या का समाधान घर बैठे बैठे करना चाहते हैं जो औरंगाबाद नहीं आ सकते हैं वो क्या करें इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आजकल सबसे अच्छी ऑनलाइन की व्यवस्था है ऑनलाइन की व्यवस्था से हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं ऑनलाइन हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो औरंगाबाद आए इतना समय ख़राब करें इतनी लंबी वेटिंग में भाग लें और इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को लॉस करें सबसे अच्छा माध्यम यदि उनको ज्योतिष की कंसल्टेंसी चाहिए ज्योतिष के मार्गदर्शन के द्वारा वो अपने भविष्य के निर्माण की बात सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा रास्ता यह है कि वो जिस ज़िले में जिस स्टेट में जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से ही वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी की बुकिंग करें और मैं हर गुरुवार के दिन और हर रविवार के दिन हफ्ते में केवल दो दिन एक एक व्यक्ति से गुरुवार को भी एक व्यक्ति से और रविवार को भी एक व्यक्ति से ज्योतिष के मार्गदर्शन के लिए मुलाकात लेती हूँ उनको कंसल्टेंसी का लाभ देती हूँ तो वो व्यक्ति भी ऐसा ही अपना बुकिंग स्थान रख के मुलाकात कर सकते हैं इसके अलावा जिनको बुकिंग के द्वारा मुलाकात नहीं भी करनी है दूसरा मार्ग उनके लिए यह है कभी साल में दो बार जो हमारे यहाँ महोत्सव होते हैं जैसे चौदह जनवरी मकर संक्रांति का और दूसरा महोत्सव जो अभी होने वाला है शनि अवस्या पर तो शनि अवस्या पर जो शांति विधान महोत्सव होता है उन दिनों वो एक दिन पहले या एक दिन बाद तक समय देकर वे अपनी कंसल्टेंसी निश्चित कर सकते हैं एक दिन पहले आते हैं उत्सव के तो मुलाकात हो जाती है उत्सव खत्म होने के एक दिन बाद यदि रुकते हैं तो भी मुलाकात संभव हो जाती है और यदि वे व्यक्ति बिना किसी मुलाकात के बिना किसी पत्रिका दिखाए अपनी समस्या जानते हैं और समाधान उनको चाहिए जैसे कि किसी को मंगली है दोष निवारण का समाधान चाहिए किसी को काल दोष का किसी को पितृदोष का किसी को मातृदोष का किसी को जन्म से शनि है जन्म से शनि कृत पीड़ा है उसके दोष निवारण का इस प्रकार से जितने भी कोई भी प्रकार और दोष बनते हैं उनके समाधान के लिए उनको यदि सही मायने में सच्चे उपाय के लिए आवश्यकता है और मार्गदर्शन चाहिए तो हमने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube पर 200 से अधिक वीडियो बनाकर डाले हैं और ये सभी वीडियो बहुत उपयोगी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं वे चाहें तो शनि शादी का के आगे अपनी समस्या अपना दोष लिखें जैसे ही वे शनि शादी का और मंगली लिखते हैं या शनि शादी का और चंद्र दोष लिखते हैं जो भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिक वो वीडियो उनके सामने आ जाएगा और उसका लाभ वो अच्छे तरीके से उठा सकते हैं ये सबसे सरल रास्ता है कि वे अपनी लाइफ में खुद अपने द्वारा किए गए उपायों से अपनी समस्या का समाधान कर लें जिससे उन्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है मैं हमेशा सब लोगों से यही कहती हूँ कि कोशिश ये करना चाहिए कि जहाँ तक हो हमें ज्ञान का अर्जन करके उसके मार्ग पर चलकर खुद अपना ज्योतिष खुद अपना पुरोहित खुद अपना डॉक्टर बनना चाहिए और खुद अपने उपाय से रिजल्ट लाने की कोशिश करना चाहिए रत्नों को पहनने की उलझन में इधर उधर जाकर अपना पैसा व्यर्थ खर्च करने की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए इसके बाद में अगली बात हमने एक वेबसाइट बनाई है शनि आश्रम डॉट कॉम के नाम से आप चाहें तो शनि आश्रम डॉट कॉम के नाम से जो नई वेबसाइट है उसमें अपनी समस्या का समाधान खोज सकते हैं शनि प्रधान इस वेबसाइट में हमने कोई विषय नहीं छोड़ा जिस विषय से संबंधित हमने यहाँ पर आइटम नहीं लिखे हों हमने यहाँ पर रिसर्च करके डाला है कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी ये बहुत बड़े पैमाने पर धाम या तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ कैसे जाया जाए उसकी किलोमीटर की दूरी से लेकर उसकी ट्रेन और फ्लाइट यात्रा तक की पूरी जानकारी हमने वहाँ पर दे रखी है इसके साथ साथ ये होने वाले शांति विधान पूजा त्यौहार अनुष्ठान ये वार्षिक जो भी रहते हैं उनकी जानकारी भी वहाँ पर दी जाती है जिससे आप उसका लाभ उठा सकें इसके अलावा एक पुरानी वेबसाइट है शनि शादी का डॉक्टर विभाश्री के नाम से आप शादी का विभाश्री के नाम से वेबसाइट जब देखते हैं तो आप उसमें पाते हैं कि अभी तक जो भी पिछला ग्रह परिवर्तन और जो भी उपाय से संबंधित आपका मैटर चाहिए था वो सब मिलेगा और आगामी जो जो प्रेजेंट में घट रहा है वो ज्योतिष का मार्गदर्शन अच्छे से अच्छा आप वहाँ पर पा सकते हैं उस वेबसाइट के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अज्ञान में ज्ञान के प्रकाश को लेकर डाली गई हैं और पहली बार शायद आप उन बातों को समझें और सुने और उस ज्ञान से अपने आप को जोड़ पाएं इसलिए आपको उससे जुड़ना चाहिए और उसका लाभ भरपूर उठाना चाहिए ये सारी बातों के साथ साथ एक बात और विशेष है कहीं वर्ष में एक बार या दो बार कोई बड़े आयोजन शनि महात्मकथा या शनि भागवत कथा या शनि ज्ञान संदेश के नाम से कहीं कहीं होते ही रहते हैं उन क्षेत्रों में अक्सर मेरा जाना होता है वहाँ पर भी मेरी कोशिश होती है कि सार्वजनिक रूप से एक शनि दरबार लगाकर लोगों की समस्या का समाधान करो उसमें भी आप सहज रूप से भाग ले सकते हैं अपने मेल द्वारा हमारे शनि आश्रम के मेल पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जल्दी प्राप्त कर सकते हैं एक विशेष बात पिछले तीस वर्षों से मैं एक काम बहुत बड़ा निशुल्क करती हूँ जिसमें कोई मेरा परिचय का हो या न हो पर ये कार्यसेवा मुझे आजीवन करने की मन की इच्छा रही है ईश्वरकृत प्रेरणा रही है जो भी शादी मिलान होता है बर और वधू का पत्रिका मिलान होता है लड़की के लिए लड़के खोजे जाते हैं लड़के के लिए लड़कियाँ खोजी जाती हैं कई कई परिवारों की बड़ी लंबी पत्रिकाएं आती हैं किसी एक लड़की के या एक लड़के के संबंध को जोड़ने के लिए हो सकता है उनको छः महीने भी मुझसे पत्रिका का मिलान कराना पड़े और हो सकता है दस बीस तीस चालीस पचास पत्रिकाओं का भी मिलान कराना पड़े जब तक रिश्ता ना जमे तब तक भी मिलान कराना पड़े ये कार्य मैंने फ्री रखा है और ये कार्य में मुझे ईश्वरी कृत बहुत आशीर्वाद की हमेशा अभिलाषा रही है भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं रिश्तों को टूटते हुए देखने के बाद मैं इस संकल्प से जुड़ी कि कोई गलती अब किसी के परिवार को जुड़ने और रिश्ते को जुड़ने से संबंधित ना हो और मैं मार्गदर्शन देकर आने वाले नए रिश्तों को एक अच्छे तरीके से दिशा दे सकूं और उनको सही मायने में एक सुखद ग्रस्ती का आशीर्वाद मैं अपनी ओर से दे सकूं तो मैंने रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए ये प्रयास किया है इतने लंबे सालों से मुझे अपने ऊपर भरोसा रहा है कि अभी तक मैंने जितनी भी जन्म पत्रिकाओं का मिलान किया है रिश्ता तो आज तक कोई नहीं टूटा है तो इसलिए इसके लिए भी स्वागत है मैं ये कार्य हमेशा करूँगी और करती रहूँगी